पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे बेहतर और क्या हो सकता है हम सब के लिए कि 5 साल हमारी सरकार प्रदेश में और 8 साल केंद्र में। आज भी लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाह रही है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक जिक्र आया था कोको का, उस कोको को हमारा हाउ खा गया। वो जो कोको वोट लेने आई थी भारतीय जनता पार्टी के, उस कोको को हमारे आऊ ने खा लिया। आऊ खा गया। अभी भाईचारे की बात कर रहे थे कि अब भाईचारा शुरू हो जाएगा, तो ये जो आप बात कर रहे हैं किन के लिए बात कर रहे हैं भाईचारा? देखिए, इस किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह का एक वातावरण गाँव में पैदा किया गया, खाई पैदा की गई, उसके बाद चुनाव आया, गठबंधन के नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया, हर गांव में पार्टियां खड़ी कर दी, लोगों की दुश्मनी शुरू कर दी। मैंने उस समय भी कहा कि चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह जिसका जहाँ मन आवे इच्छा है वहाँ वोट दो, समाज को तोड़ने का काम ना करो। जो ये गठबंधन के नेता और सब नेता थे ना, इनने समाज को तोड़ने का काम किया। अभी 2 दिन पहले चलो मुजफ्फरनगर झगड़ा करो, अरे भाई झगड़ा करके आप तो लखनऊ और दिल्ली भाग जाओगे, यहाँ बस में हमारे मुकदमे शुरू करवा दोगे, युवाओं का भविष्य खराब होगा। तो एक तरह से निगेटिव मानसिकता के साथ राजनीति गठबंधन के नेताओं ने की है। मैं हमेशा कहता रहा चुनाव है चुनाव की तरह लो, जिसका जहाँ मना है वहाँ बांट दो और आपस में भाईचारा कायम रहना चाहिए। और जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, समर्थन देने के लिए भी, प्यार देने के लिए भी, और सबसे बड़ा धन्यवाद हाऊ का जिसने कोको खा लिया। मंत्री जी, आज मतगणना होनी है, क्या कहेंगे? मतगणना चल रही है भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे मतों से, बहुत अच्छे समर्थन के साथ, जनता के भरपूर आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जानकारी मिल रही है और बहुत अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी है। क्या क्या कहेंगे, जैसे प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा? क्या बढ़ना था? निश्चित रूप से बढ़ना था। माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जनता के जनकल्याण के काम किए हैं, जनता के विश्वास को जीतने का काम किया है, हमेशा हर प्रकार के कष्ट में, कोविड का कितना बड़ा मामला था, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री लगातार खड़े रहे, डटे अड़े रहे, कितनी बड़ी वैक्सीनेशन का काम किया, 180 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन, 180 करोड़ वैक्सीनेशन होने का काम, कितना बड़ा काम हुआ है। बाकी लोग होते तो बहुत बड़ा संकट देश के अंदर आया था, तो जनता ने विश्वास किया है मोदी जी पर, योगी जी पर, उसी विश्वास के नाते जनता वोट दे रही है। और मुजफ्फरनगर में भी हम सभी 6 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए, हमारी सीट अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन जो आने वाला काउंटिंग होगी उसमें निश्चित रूप से बहुत भारी मतों से इसमें हम लीड बनाने वाले। मंत्री जी, क्या कहना चाहेगा अभी के लिए जनता ने? अभी हम जीत रहे, मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और बहुत अच्छे मतों से सभी सीटें मुजफ्फरनगर में जीते। राकेश टिकट के द्वारा कहा गया था कि वोट तो कोको लगे बीजेपी, क्या कहेंगे इसको? अब पता नहीं क्या कहा उन्होंने, हमको तो बताओ कोको वोको कोई होगी वो हमारे पास है, वो जो कोको थी हमने पकड़ ली थी उसे, भाई यहाँ आ जा, वो हमारे पास है, हम ही को वोट दे रही है, ठीक है।